खबर आ रही है रतलाम से, जहां सट्टे की रंगदारी लेने पहुंचे बदमाशों ने चलाई गोली। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ही टीआई सहित दो बीट प्रभारी को किया निलंबित। मध्य प्रदेश रतलाम के भाटों का बास क्षेत्र में सट्टे की रंगदारी लेने पहुंचे बदमाशों ने शुक्रवार शाम को अपने दोनों साथियों के साथ गोलियां चलाई। उक्त घटनाक्रम से क्षेत्र की जनता में आक्रोश और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सीएसपी हेमंत चौहान के समक्ष जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर एसपी गौरव तिवारी भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्य में लापरवाही के चलते माणक चौक थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया सहित बीट प्रभारी एसआई निशा चौबे और एएसआई दिनेश कुमार मावी को तत्काल निलंबित कर दिया। एसपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। फरियादी हैं जिनके ऊपर फायरिंग हुई, उनसे मैंने चर्चा किया। उसमें दो लोग हैं, एक सोहन लाल राठौर और जावेद उर्फ लालू घोसी करके हैं। दो जो फरियादी हैं उनका कहना है कि ये वहाँ बालाजी नमकीन पे कार्य कर रहे थे, तभी शाम को मोटरसाइकिल पे तीन लोग आए, जिसमें गोलू सांवली, अकबर घोसी और अफसार नामक तीन लोग आए, जिन्होंने इनसे पैसे मांगे कि सट्टा चलाते हो उसका पैसा दो। इनका कहना है कि साहब मैंने इनको बताया कि मैं कोई सट्टा नहीं चलाता हूँ। इस बात पर इनका विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसमें अकबर घोसी नामक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था उसने इनके ऊपर फायर किया। घटनास्थल से पुलिस ने राउंड जब्त किए हैं, .32 बोर का पिस्टल यूज होना प्रथम दृष्टि आया है। खुलेआम सट्टा चलता है पूरे मोहल्ले में, चार चार जगह ग्रुप बना बना के जेंट्स लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पे बाहर के मोहल्ले की लेडी से इस मोहल्ले में आने में कतराती है। हमारे यहाँ पे छह छह परिवार रहते हैं, साधारण परिवार रहते हैं, सब डरते हैं इन लोगों से इधर आने में कतराती है। अभी आपके मोहल्ले में क्या घटना हुई है? आए दिन यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन गाली गलौज होती है, झगड़ा होता है, और आज तो यहाँ पर गोलियां भी चली है और तलवार से यहाँ पे सब फोड़ा फोड़ी भी करके गए। इस बात को लेकर के गोलियां चलाई गई पता नहीं, अब इन लोगों के अंडरग्राउंड क्या बात है ये हमको। अच्छा ये बताइए, इनके लेन देन का और ये चलता है।